अल्लाह का नाम पर ले दे भाई, दे अल्लाह का नाम पर ले दे भाई। इन सालों का तो पेट भरना ही है, सालों ने मुझे बांध के डाल दिया। अल्लाह के नाम पर दे दे भाई, खुदा दोबारा भला करेगा। अल्लाह के नाम पर दे दे भाई, अल्लाह के नाम पर दे दे भाई, अल्लाह के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे भाई, दे दे अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दे। दे दिया अल्लाह के नाम पे दे दे। अबे अब तो बदे हो गए साले, तुम्हारे दौर है, खाने पीने लायक हो गए, अब तो छोड़ दो। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, मैं अब तो बतेरे पैसे हो गए सालो, अब तो छोड़ दो, मैं अब तो मुझे छोड़ दो साले, मैं पड़ा पड़ा थक गया साले भिखारी। शेख जी हम कोई भिखारी हैं? तू बोल भाई। शेख जी चुप पड़े रहो वरना हम छोड़ के चले आएंगे। मैं मुझे घोड़ा राज लगा के छोड़ दे, कहाँ जाओगे? मैं मुझे छोड़ दो वरना मैं तो मर जाऊंगा सालो। मुझे लगा है पीले सूट में झोटा आ रहा। तुम तीनों बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो? ये बेचारा कौन है, इसे खोल नहीं सकते? लाओ मुल्ला जी मैं खोल दो, खोल दो, खोल दो। नहीं नहीं मैडम, इसके हाथ मत लगा दीजिए, यह तुमसे लिपट जाएगा। है यह पागल है। क्या ये पागल है? हे भगवान, पर तुम इसके पास क्यों बैठे हो? हम इसलिए बैठे हैं मैडम यहाँ, इसे कभी कोई जानवर ना खा जाए। हैं? ठीक है, पड़ा रहने दो, मैं जा रही हूँ अपने घर। ओए तू भी जल्दी। ओए तुम भी निकल लिए सालो। ठीक है, अब तो खुद ही मांगता हूँ अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, भाई अल्लाह के नाम पे एक रुपया दे दे। मेरे पे कुछ ना है भाई। ए, कुछ ना तो सांड खोल दे मुझे। बस बस ये लाठी निकाल दे, लाठी निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे साले, ये भी निकल जी तेरे पे, निकाल दे। तुझे पता पूरा पांच मिनट हो गए लेटे लेटे, थक भी गया। अच्छा यहाँ थक गए पांच मिनट में और वहाँ पूरे दिन लेटे रहे हो तो कुछ नहीं? वहाँ कहाँ लेटे रहे हो पूरे दिन? वहाँ शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें भीख मांगते हुए? पूरा गांव तुम्हें क्या कहेगा? रुक जाना, पूरा गांव क्या कहेगा? साला मेरे हाथ पैर बांध के मुझसे भीख मंगवाते, साला का खुद तक गुजारा होता नहीं, और सालों ने मुझे बदनाम और करवा दिया। किसी के कहने में क्यों आते हो? तू ठीक कह रहे रुखसाना, और साले मुझे पड़ा हुआ छोड़ के आराम चलेगा उस लड़की के पीछे। अब कहीं पे काम कर लो वरना सच मुच में ही भीख मांगनी पड़ जाएगी, घर में आटा भी नहीं है। रुखसाना नाराजगी हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, किसे कहते हैं सॉरी? सहू से बोल लो वरना अपने घर चली जाऊंगी आज के बाद। सॉरी कहा तो गलती मानने से तो गए। चल गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी, आजा 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 आजा। ये तो पता नहीं लाओ जान क्या क्या सिखाते हैं, सालों ने मुझे सॉरी सिखा दी, लाओ ने भी अंत काट रखी है। शेख जी, ओ शेख चिल्ली, शेख जी, शेख चिल्ली, शेख जी मैं रुक जा रहा, जरा बैठ, मैं देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ, चिल्ला रहा मत, आ रहा हूँ। लोग तनक बैठने भी नहीं देते। अरे क्या कर रहे हो शेख जी? मैं एक बात बता लिए, जब तुम्हें मेरा घर दिखाई दे रहा तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये देख रहा था तुम्हें दिख रहा था अरे फूट गई। अच्छा शेख भाई सॉरी सॉरी। अबे सालों की शक्ल बिगाड़ दी, सॉरी सॉरी बोल रहे हो, ये नहीं कह सकते गलती हो गई? शेख भाई गलती हो गई। हाँ ठीक है, बोलो कैसे आना हुआ? शेख भाई हम आए हैं अचपलगढ़ी से, हमारी सड़क पे काम हो रहा है, अगर आप चलो तो आपको 100 रुपए मजदूरी मिलेगी। और सुनो शेख भाई, अपने अलावा 4-5 आदमी संग में लाओगे, पर आदमी के ऊपर 5 रुपए कमीशन मिलेंगे। कमीशन मिलेंगे? यार अगर मैं लंगड़े को लूले को और टोपी बाज को ले जाऊं तो मेरे 15 रुपए बन जाया करेंगे। हाँ कर देता हूँ।
ठीक है भाई साहब, कल आ जाऊंगा। तो लो शेख जी, ये हमारा कार्ड है। ठीक है, चलो निकल लो। मैं निकल लो, आए पर आदमी पे कमीशन मिलूंगा। मैं साले बिहार भी ठेकेदार हो गया आजकल। अरे साले लंगड़े कानार, वो टोपी वाला साला पटाए में आएगा जब नहीं आएगा साला। अगर आ जाए तो भाई साहब कमीशन 15 रुपए बना करेगा। शेख जी मजा आ जाएगा, साला भी खुश हो जाएगी। सोचता हूँ कहाँ मिलेंगे साले। शेख जी क्या सोच रहे हो? मैं सोच क्या रहा रुखसाना, मैं ये सोच रहा हूँ अगर उन लंगड़े को, गूंगे को और टोपी बाज को काम पे ले जाऊँ तो मजा आ जाएगा। तुम जानो या तुम्हारा काम, ना मैं किसी को जानती ना पहचानती, तुम्हें पता होगी। मैं जवाब बता दो तू क्या। चलंदर सारे तू नहीं जानती था, हम जाने सारे। मैंने भी तारा हिरन ना बनाया था, मेरा नाम शेख चिली नहीं। आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ। आ जाने वाला नहीं है शेख चिल्ली। अगर शेख चिल्ली नहीं आया तो अब खर्चा कहाँ से होगा हमारा? मौज कहाँ से लेंगे अब हम? उसे आना तो चाहिए। यार मुझे लग रहा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तू बता भी गूंगे बोल। आएगा आएगा। आर्या मैं तीनों के लिए बैठी तो है। आओ शेख जी बैठो। कैसे बैठे हो आज? आज तो कुछ बदले बदले से लग रहे हो शेख जी। बस यूं ही मेरा मन खुश है। क्या बात है शेख जी, तू बोल भाई। हाँ शेख जी कैसे आए? मैं आया क्या, मैंने तुम लोगों के लिए काम ढूंढ लिया। बहुत अच्छा काम है, करोगे? मैं तो कर लूंगा। मगर शेख जी तुम्हें काम कहाँ मिला? हमारे गांव में तो है नहीं काम। काम है, अजमलगढ़ी की सड़क पर काम चल रहा, करो तो बतलाओ। तू बोल गूंगे। हाँ चलेंगे। गूंगे ने फिर फंसवा दिया यार। हाँ बेटा हमें पता था तुम चलोगे। चलो चलो, अब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो वे लंगड़े, मुझे लगा है जो कल मिली थी ना वो उसी काम की है। चलो चलते हैं काम पे। चलो शेख जी। क्या उसी गांव में है? मैं क्या पूछ रहे हो तुम? बोल भाई गूंगे। उसी गांव की लड़की है वो। चलो चलो काम कर ले। चलो 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 उठो। अरे जींस टॉप में क्या जचराज होटा? अबे अरे जींस पहन रहा है झोटे? साले मुंह पिटवाओगे झोटे ने? लड़की लड़की झोटे बता रहे हो? बे मुझे पिटवाओगे? अरे हां शेख जी। हां शेख जी, साले ऐसे हंस रहे हो? हां शेख जी। मैं काम कर लो काम। जींस टॉप में जा रहा झोटा। ओ भगवान सुन लगा यार, सुन लगा मरवाओगे तुम। शेख जी जब तुम हो तो हमें क्या काम है? हैं सुन लेगा कोई? भाई शेख जी सारा काम खत्म करके जाना, 2-3 दिन ही रहोगे, ठेकेदार ने बोला है। हैं 2-3 दिन ही रहना पड़ेगा? हाँ जी। मैं क्या बोला बतलाओ, रहना यही यही रहोगे? हम तो तैयार हैं। तैयार है ठीक है जी, जाओ हम तैयार हैं। कौन है भाईजान? अंदर को आ जाओ। भाभी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कहिए क्या बात है? शेख जी तो यहाँ पर है नहीं। भाभी जी वो आज आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 दिन का काम है, मैं आपसे यही बताने आया हूँ। ठीक है भाईजान। अच्छा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह अब तो शेख जी खूब कमाया करेंगे। सड़ा दिया मुझे तो, कितना बादार है। भाई ऐसे नींद ना आने वाली। ओ भाई टोपी बाज, भाई मैं तो अलग सोऊंगा। साले तुम तो मुझे बदबू से मार डालोगे, ऐसे बात मारे मुझे, मैं साले बताते भी नहीं हो। अच्छा शेख जी नाराज मत हो,
एक काम करते हैं, एक कोड वर्ड बना लेते हैं। ठीक है, बना लो भाई, जो बनाना है बना लो। सुनो भाई, जिसके भी पाद आए वो कह देना आप आए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा भाई, रजाई हटा देंगे, बदबू उड़ जाएगी। क्या बात होगी बोल। हाँ हाँ हाँ, बदबू ना आने की है। ठीक है भाई, ये सही रहेगा। शेख जी, सुबह काम पे हुई तो जाना जहाँ आज गए थे। हाँ, वहाँ झोटा देखे थे। अबे सब सुनो, आराम से लेट जाओ, सोने दो, सुबह काम भी करना। अबे अब क्या हुआ बोल। मेरे आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं? कैसे गंदे आप आए साले के। चलो चलो चलो, निकल गई गैस। चलो मैं निकल गई, चलो चलो ले जाओ आराम से। शेख जी, मुझे भी आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं? सड़ा के मारोगे मुझे सालो, कैसे कैसे करोगे। ठीक है चलो मुंह ढक लो। शेख जी, रजाई हटा लो। वो क्या? आप आ रहे हैं। आश, 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 आप आ रहे यार। अबे सोने दो यार, अबे सारे सड़ाके गिर दिया, सारे सड़ाके गिर दिया, नाकू दाव के सोऊंगा। बेटा शेख चिल्ली, नाक से तो हाथ हटा लिया, मगर यार तीनों का नंबर आप पे आ गया। मेरे आप अभी तक नहीं आए, गड़बड़ लग रही है पेट में, कुछ कुल मिला लिया, कुछ करेगा, कुछ तो। मैं मुंह ढक्का सो जा, हमारे आप नहीं आने देगा क्या? मैं अब क्या हुआ है? मेरे फिर से आप आ रहे हैं। फिर से आप आ गए? बेटा हाथ तेरी कोई कुल मिला नहीं रहा, मगर यार सबके नंबर आ गए सारे, दोबारा दोबारा नंबर ले रहे, हमारे आप नहीं आए, हम भी अपने आप बुलाते हैं, बुलाएंगे। ये ठीक रहेगा। थोड़ा चुप पड़ा रहूंगा, सारे कैसे नाक भींच रहे। शेख जी, बदबू बहुत आ रही है, क्या आप के आप आए हैं? किसके आप आए? बदबू बहुत आ रही है। बदबू तो आएगी, जब साला तुमने दो दो बार नंबर ले लिया, मेरा नंबर नहीं आने दिया। बा मेरे आप नहीं आए, मेरे तो आपके भी बाप आ गए देखो। अब मेरे लैटरिन निकल गई, चलो भागो। मैं कैसे करूं? वह सारों ने फंसवा दिया मुझे, तो मैं अब क्या करूं? वह नुकसान हमारी कहेगी कच्चे में लेटरिंग कर ली। अब साला कच्चा भी सन गया, साले अच्छी लाड कटी, अपना तो झेल जाऊंगा। आप ही आप कर रहे थे साले, बाप दिखा दिया सालों को। डाल दो यही। आ जाओ। ओह,
मलठाओ और ढंग से भलैया, ढंग से भलैया नहीं मेरा कमीशन भी ना मिलने को। अब तो जींस में आ रहा जोट्टा। जींस टॉप देखोगे अभी दिखाती। अब तो गुस्से में दिख रहा जोट्टा, मारे गए जोट्टा मारे ही पास आ रहा। डाल लो मैं क्या हो रहा देख रहा है? जोट्टा जींस में आ रहा, जोट्टा जींस में आ रहा। अबे लंगड़े गुंगो साले, काम कर ला। तुम्हें पता दूसरा काम है साले, ना उठा देगा सारा। और मुझे लग रहा है तुम मेरी सिगल बिगड़वाओगे। भाई कौन पीटेगा हमें, हम तो झोटे की जींस देख रहे थे। हराम जादो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें जींस टॉप में झोटा। अभी रुको, भाई काम कर लो, करते हो तो, वरना साले यहाँ पीट के जाओगे। मुझे लग रहा लड़की गुस्से में, कुछ ना कुछ होने वाला। देखो शेख जी, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है। हम तुम्हें बांध के भीख मंगवा रहे थे ना, वो भी हमारी एक चाल थी। हम तो यहाँ मौज लेने आए हैं, पैसे लेने नहीं। क्यों होंगे? हाँ हाँ, हमारे बाप के पास पैसे की कमी नहीं है, हमें तो एक झोटा चाहिए, वो भी जींस वाला। हराम जादे को मारो सालों को। कुछ कहेगा लड़की को, कुछ कहा? इन्हें छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर मैंने भी बदला ना लिया तो मेरा प्लान सक्सेसफुली नहीं। ठेकेदार कहाँ गया कमबख्त? मुझे मरवा दिया ठेकेदार के बच्चे। कब के बैर निकाले तूने, मुझसे मेरा हिसाब दे जा। ये क्या, किस लिए क्या नाश करवा दिया? मरवा दिया है ये साले, आज की जारी से मिली गई। लंगड़ा टॉपी बाज साले, साला गूंगा तुमने मेरा काम ना छिटवा दिया। मैं लगा साला ना जाएगा सारा बना देंगे। और नूरजा तू ठीक है? हाँ बाजी ठीक है, घर पे सब ठीक है, बढ़िया है। अब्बू और अम्मी? हाँ सब बढ़िया है। और सुना, अम्मी को लिया थी? अब्बू गांव में है और अम्मी कुछ काम। चल ठीक है, पानी पिएगी? हाँ पानी पीऊंगी, अम्मी बहुत याद करती है। हाँ मैं भी बहुत याद करती हूँ उन्हें। शेख जी कहाँ है? शेख जी अभी बाहर गए हैं काम पे। अच्छा। वो यूँ कह रहे थे कि मैं आऊंगा, मैंने बता दिया तू आने वाली है, ले पानी पी। और बता, खैरियत है? साले कमबख्त, साले घूमे लगड़े, साले गलती अपना आप करा, साले पिटवाओ मुझे। क्या बात हो गई शेख जी, कैसे नाराज हो? आज काम नहीं किया क्या? मैं काम तो कर रहा था पर साला ने लफड़ा कर दिया और मुझे पिटवा दिया, गलती उनकी और सजा मुझे मिली। दूल्हा भाई रोना बंद करो और हमें बताओ क्या बात हो गई। क्या बात हो गई? थानेदार है जो तुझे बतलाऊ, नुकसाना को बतला रहा हूँ, तू भी सुन ले। नाराज हो गए दूल्हा भाई? मैं इतना मारा लोगों ने मुझे और मैं नाराज भी ना हूँ।
नाराज हो गए दूल्हा भाई। अच्छा चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम भी खाना खा लो और मैं भी खाना खा लूं। क्या मैं तो भी भूखी है? दूल्हा भाई मुझे भी खिला दो खाना। दूल्हा भाई खाना खिला दो, तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ, अपना काम कर, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नूरजा बहन तूने भी उन्हें नाराज कर दिया, भूखे ही चले गए बेचारे। चलिया तू चलिया, आ जा रे मेरे दिल पर, पेट का दर्द मिटा जा। आओ न तुम तो हम घबराए, आओ तो बदबू आए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अरे लंगड़े इसकी जुबान कैसे खुल गई बिगड़ सर पे मारे। हाँ यार मैंने समझा तूने मारा, इसका मतलब ये ठीक है। हाँ हाँ मुझे तो आ रही है पहले सोट वाली, मैं तो सालों पागल बना रहा हूँ। यार घर वाले शादी कर नहीं रहे, बाहर का भी नहीं कर रहा कोई। शादी की सुन ले, मैंने सुना गधे वाले बाबा जो भी उसके पास जाता है जो बता देता वो ही होता है। बहू तो मिल जाएगी, पैसे चाहे कितने ले ले। वो कौन सी जगह है वो? पैसे की तो मुझे पता नहीं पर काम फिट हो जावे। गूंगे वो गूंगे, और कितने पैसे ले लेगा वो? अब हूँ कैसे कर रहा, पहले तो बिगड़ मारे बोल गया तू, अब बोल। 2,000 रुपए लेगा शायद 3 बार, चाहे 4 बार ले ले, चलेंगे जरूर। साले 4 बार देने को तैयार हो, ऐसी शादी कराऊंगा साले, तुम भी याद रखोगे। मेरा विनाम शेख चिल्ली है, तुम्हारे लिए बैठाऊंगा दुल्हन बैठाऊंगा तुम्हें। हाँ साले मुझे भी बदला लेना अपना, याद करेगी पूरी दुनिया, ऐसी बहू दिलाऊंगा तुम्हें। नूरजा आज मैं गाजर पका रही हूँ, तू खा लेगी ना? अरे बाजी दूल्हा भाई नहीं आया अभी तक। साले साले आवा इंग्लैंड पे, साले मेरा नाम शेख चिल्ली है, हैं? साले शेख चिल्ली से पंगा ले रहा, साले कर दूंगा ठीक, आवा इंग्लैंड पे साले। शेख जी क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। रुक जाना बाबा, यानी गधे वाला बाबा शेख चिल्ली बाबा, यानी शेख नाथ बाबा, साले आवा इंग्लैंड पे। क्या बात हो गई दूल्हा भाई, किसे लाइन पे ला रहे हो? तुम दोनों भाई देख लेना, जो मैं कहूँगा वही करती रहना। एक बार सुनो रुक जाना, जो मैं मेले में से नकली राजपूत लाया था ना वो निकाल के ला, और एक बार सुन ले तुम्हें दोनों को चलना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वही कर देना, बदला लेना। हाँ हाँ बदला ले लेना, पहले रोटी तो खा लो। खा लेंगे खाना भी। रुक जाना एक बात है, तेरी बहन तो गदर हो रही है साली। शेख जी तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म नहीं आती ऐसी बात, मैंने को लगा दे दी, मैं इसे देख के मुझे वो बात ध्यान आ गई तेरी वाली। वो वाली कौन सी? मैं वही जो मैं तुझे ढूंढता फिर रहा था। भोली सूरत को मैं तो हुआ दीवाना रे, देख के भोली सूरत को मैं तो हुआ दीवाना रे, एक नजर में तुझको ही तो मैंने अपना माना रे। आजा रुखसाना, आजा रुखसाना, मेरा जीवन साथी तू मेरे दिल ने मारा है, मेरा जीवन साथी तू मेरे दिल ने मारा है, तुझसे मिलने को मैंने
अगर तू मुझको ना मिलती मैं कैसे जीता रुखसाना, तेरे बिना तो मेरा जीवन हो जाता यहाँ बेगाना। तूने यह जाना रे, देख के भोली सूरत को मैं तो हुआ दीवाना रे, तुझसे मिलने को मैंने ढूंढा लाख बहाना रे। आजा रुखसाना, चाहती है तेरा मेरा प्यार है ऐसे जैसे दीपक बाती है। प्यार अगर तेरा झूठा है मैं ना तुझको जाऊंगी, कसम आज मैं खाती हूँ पास तेरे ना आऊंगी। इन बातों को मत बोले मुझे जीवन भर है चाहना रे, देख के भोली सूरत को मैं तो हुआ दीवाना रे, मुझसे मिलने को मैंने लग बहारा रे। आजा रुखसाना, का साथ रहे ये थोड़े से ना टूटेगा, कसम उसी को लग जाएगी जो आपस में रूठेगा। मैं भी कभी ना रूठूंगी, कसम आज मैं खाती हूँ, दिल से मेरे पूछो तो तुमको कितना चाहती हूँ। जब तुम इतना प्यार करो तो मेरा कहाँ ठिकाना रे, देख के भोली सूरत को मैं तो हुआ दीवाना रे, मुझसे मिलने को मैंने ढूंढा लाख बहाना रे। आजा रुखसाना, आजा मेरे शेरू, देख के भोली सूरत को मैं तो हुआ दीवाना रे, देख के भोली सूरत को मैं तो हुआ दीवाना रे, एक नजर में तुझको ही तो मैंने अपना माना रे। आजा रुखसाना, आजा रुखसाना, मेरा जीवन साथी तू मेरे दिल ने मारा है, मेरा जीवन साथी तू मेरे दिल ने मारा है, तुझसे मिलने को मैंने ढूंढा लाख बहारा है। शर्म नहीं आती? नूरजा भी क्या कहेगी? नूरजा से शर्म आ रही है? ले मैं शर्म आ जाऊंगा। अब तो शर्म आना, अब ऐसा करो दोनों उठ लो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। टोपी बाज की भी लंका ना लगाई तो मेरा नाम शेषरी नहीं और तेरा नाम रुखसाना नहीं, सारे लंगड़े लूले काने बहरे पीछे पड़ गए। चलो सब छोटे कांप रहे, कभी कभी हमसे भी कुछ कह दिया कर। उस दिन ना कहीं भूल गया क्या? अच्छा वो हम तो भाग गए पिटा से छिल्ली। अच्छा तू एक बार बता,
तू मेरे से नाराज है? अगर मैं तुमसे नाराज हूँ तो मैं क्यों ढूंढती फिरती, बोलो। यानी कि तू भी? हाँ 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 मैं भी। तू मुझे पहले तो नहीं मिली? अरे मैं तो कल भी आई थी, तुम कहाँ फिरो हो? आज गधे वाले बाबा से कुछ मांगने जा रहे हैं तीनों यार। बाबा से कहना मेरी बिजली को मुझे दिला दो। तुम्हें पता है बाबा जो कहते हैं वो सत्य होता है, जो मांगोगे वही मिलेगा। ठीक है तो बाबा से मैं अपनी बिजली को मांग लूंगा। निकल ले बिजली, निकल ले वाले लंगड़े घूमे। चल चल। कौन था भाई? मुझे लगा पीले सूट वाला झुट्टा था। कहाँ भाई कहाँ? हमने देखा अभी गया। छोड़ो चलो यार, कभी बाबा निकल ना जाए। चलो चलो चलो। सुनो, सब सुन लो, जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना वैसे करना। ठीक है सेठ जी, मैं इसे समझा कर लाई हूँ। ये मरीज है, इसे तुक कटवाना है। ये ठीक है। और नूरजा तू सुन, वो घूंगा नहीं घूंगा, उसे एक तरफ ले जाके उसके सर पे टोका मारना पड़ेगा जब बात करेगा वो। सेठ जी वो आ लिए। हाँ बैठे दो बाबा। तुम शुरू हो जाओ। अटेंशन ऑल, जलाल काटो दुनिया का जंजाल। आलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, ये हम बतलाएंगे। हम बैठे किस लिए हैं? हम अपने आप बतलाएंगे, यानी हम गधे वाले बाबा शंकरनाथ बाबा यानी शेखनाथ बाबा हैं। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पीटा, तुम्हें घर से निकाला, वो भी अपने घर वालों के कहने से। चली गुरुजी, आगे तुम बतलाओ। ठीक है गुरुजी। और तुम्हारे घर में एक नीम का पेड़ है, घर जाओ, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा नीम के नीचे इंतजार कर रही है, और वो अपनी गलतियों की माफी भी मांगेगी। वो कैसे बाबा? वैसे हम सब देख रहे हैं, कौन कहाँ देख रहा है, क्या गूंगे? बाबा गलती हो गई बाबा। कोई गलती नहीं हुई, सीधे खड़े रहो। ये लो गुरुजी। और तुम ये धागा लो, अपनी पत्नी का नाम लेकर के नीम के पेड़ पे बांध देना। तुम्हारी पत्नी दौड़ी चली आएगी और अपनी गलती की माफी मांगेगी। बाबा कितने पैसे? पूरे 1,000 रुपए, अगर कम करे तो दुगने कर दूंगा। अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल। ये लो और उधर बैठो जाओ। बाबा इनका भी दुख काट दो। इन सबका दुख? बाबा पहले मैं बताता हूँ अपना दुख। खड़े हो जाओ, हम बतलाएंगे। हम वैसे ही नहीं है गधे वाले बाबा, यानी कि शेखनाथ बाबा। अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल। बाबा बताओ, पहले मेरी बताओ। बाबा तुम पहले इसे बता दो। हाँ तो सुनो, तुम पहले झूठ वाला झोटा यानी बिजली को चाहते हो। हाँ बाबा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, पर उससे मिलू कैसे? मिलना है, निकालो 2,000 रुपए। मगर बाबा उससे तो तुमने 1,000 रुपए लिए।
उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपनी पत्नी चाहिए वापस। तुम्हारा लव चल रहा है यानी के अफेयर, इसलिए डबल लगता है। ये लो बाबा, वो कैसे मिलेगी? सुनो अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों सुनकर करो कमाल, काटो दुनिया का जंजाल, चाल कर बच्चे का कमाल। चलिया ये ले धागा और सुन, इसे अपनी बिजली के हाथ में बांध देना या किसी से बंधवा देना, बनते ही वो तेरी तरफ दौड़ी चली आएगी और तेरी हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं चलूं। भाई हमें भी तो पूछना। तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, हाँ गूंगे की सेटिंग हो सकती है, हम सब देख रहे हैं। चुप रहे बाबा, मेरे कहीं सेटिंग नहीं है, मैं तो आपकी चेली को देख रहा था। नहीं, ये चेली है, एक तरफ मिलो, तू भी बहू की तलाश में आया है यहाँ पर। बोलो। हाँ बाबा। हाँ बाबा, तो निकालो 2000 रुपए वरना डबल कर दूंगा। दे, ये लो बाबा। ठीक है, जाओ मिलो चेली से। चलो चलो चलो, ज्यादा गड़बड़ मत कर देना। अलाल जलाल, दोनों भाई बवाल, दोनों मिलकर करो कमाल, काटो दुनिया के जंजाल। क्या बोलना चाहते हो? मेरा नाम मुन्ना गुंगा, मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं? आई लव यू। लंगड़े, तुम्हारी टांग का इलाज हो सकता है, ठीक हो सकते हो, मगर कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपए। हाँ हाँ हाँ, पूरे 1000 रुपए। तुम अच्छे इंसान की तरह चल सकते हो। मगर बाबा कुछ। अगर मगर कुछ नहीं, निकालो 1000 रुपए। कितने? पूरे 1000 रुपए। पूरे 1000 रुपए। मगर बाबा मैं टांग ठीक कराने नहीं आया हूँ, बहू के लिए आया हूँ, बहू के, मुझे बहू चाहिए। क्या कह रहे हो, पहले टांग ठीक करा लो, फिर बहू अपने आप मिल जाएगी। नहीं बाबा, मुझे तो बहू चाहिए, बहू। तो तुझे बहू चाहिए, टांग नहीं, टांग से भी ज्यादा बहू प्यारी है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही जाना। ठीक है, तो जरा सर यहाँ झुकाओ। ठीक है बाबा, अभी झुकाता हूँ। यहाँ बाबा, छोड़ दो बाबा, हमारा काम तो लिया, हम तो चले। हाँ तुम्हारा काम है, निकल लो, निकल जाओ। ठीक रहे ना रुखसाना? बिल्कुल ठीक रहे शेख जी। वह एक बात बतलिए नूरजा, मैं उससे बिल्कुल ही चेप हो गई, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा। कोई बात नहीं है शेख जी, लड़का अच्छा है, तुम्हारा साड़ू बन जाएगा। ठीक है, सोचूंगा इस बारे में।
फसाना, तेरे संग मैं नाचू मेरा साथ निभाना। ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना, ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना। बाज भैया लूंगा बहु निराली, भूरी भूरी बहु चाहिए ना लूंगा मैं काली। सही राह में निकलिया ना बहु मांगा भूरी, बिना निकले रह जाएगी तेरी शादी भूरी। दे दे जितना मांगे ना तो, दे दे जितना मांगे ना तो, भूल बहु को जाना। ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना, ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना। मैं हूँ गूंगा मुझे बोलती बहु दिला दो भाभी, टोका मारना नहीं पड़ेगा ना भरनी पड़े कोई चाबी। मैं हूँ गूंगा मुझे बोलती बहु दिला दो भाभी, टोका मारना नहीं पड़े ना भरनी कोई चाबी। सूरज बैंड लोनी बॉर्डर सूरज बैंड, सब शादी में बुलाना। ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना, ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना। भैया ना है कोई मांगे, ऐसी इसको बहु दिला दो जिसके दोनों टांगे। काम से वाला है तो ले ले जैसे मिल जा वैसी, पूरी शादी में जो भैया कर दो ऐसी तैसी। बात मान ले रुखसाना की, हाँ बात मान ले रुखसाना की, जो तुझे काम चलाना। ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना, 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 ढोली ढोल बजाना सूरज बैंड बजाना। भाई लंगड़े मेरा एक काम कर दे, इस धागे को बांध दे। यार मैं तो लंगड़ा हूँ, मेरे पे तो भागा भी नहीं जा रहा, इस काम को तू गूंगे पे करवा ले। बोल गए गूंगे। भाई मुझे मरवाओगे, मेरे पे तो शोर भी न मचने को। यार तू तो ठीक रहेगा, तू बोलेगा अब नहीं भग भी जल्दी आएगा, वो तो लंगड़ा है। अपने यार पे एक एहसान तो कर दे, ध्यान से बांध दियो धागे को, गलत ना हो जाए। एक ही बार काम करेगा धागा, बार बार नहीं करेगा।
मुझे तो टोपी बाद में भेजा। मम्मी पापा मम्मी चोर चोर चोर। मम्मी पापा पापा मम्मी पापा इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं चुराया। नहीं चुराया? नहीं। साले चला जा। साले ना भी जान से हाथ धो बैठता। मैं अभी सेठ जी से कहती हूँ, तू जा रही है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। क्या बात है? तुम सो रहे हो? देखना नूर जी जाने के लिए कह रही है। जाने को कह रही है? मैं कहाँ जा रही है कमाकर? तू अभी तो मेरा मिशन अधूरा और तेरा मिशन पूरा होने वाला नहीं। बोलो क्या करना दूल्हा भाई? मैं करना कुछ नहीं, वो लड़का ना तेरे से उस दिन मिला, बस उससे तू आज फिर मिल, बस उससे तू प्यार से बुलाइयो, आजा, 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 आजा तेरे पास आ जावे, बस तू शोर मचा दियो और फिर मेरा काम है बस। मेरे पे हो जाएगा ऐसे? क्यों बाजी? सेठ जी कैसे कैसे काम बता रहा लड़की को? मैं ऐसे काम लड़कियां ही तो करती हैं। मगर दूल्हा भाई टाइम पर आ जाना, कभी वो मेरे साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दे। टाइम पे आ जाना दूल्हा भाई, कभी कुछ गड़बड़ कर दे। भाई एक बात सुन ले, मेरा बगैर तेरे साथ कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। सेठी तुमको पटाके में तो चाहता हूँ घर को बसाना, जानम मुझसे ही दिल को लगाना, जानम मुझसे ही दिल को लगाना। तुमको पटाके मैं तो चाहता हूँ घर को बसाना, जानम मुझसे ही दिल को लगाना, जानम मुझसे ही दिल को लगाना। सीखा तुमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा तुमने ना सीखी होशियारी, नहीं फंसेगी तुमसे ये लड़की प्यारी प्यारी। तेरे बाप से मैं तुझे मांग लूंगा, अगर वो न माना तो उसे टांग दूंगा, अगर वो न माना तो उसे टांग दूंगा। तेरे बाप से मैं तुझे मांग लूंगा, तेरे बाप से मैं। हमसे बातें ओ छोरो बढ़ाना नहीं, दिल लगा कर किसी को सताना नहीं। हमसे बातें ओ छोरो बढ़ाना नहीं, दिल लगा कर किसी को सताना नहीं। हमसे बातें ओ छोरो बढ़ाना नहीं। गूंगे बहरे लंगड़े सारे थारे सर में खा रहे, गूंगे बहरे लंगड़े सारे थारे सर में खा रहे। छोरी चाहिए चांद के जैसी अपने दिल की बता रहे, गूंगे बहरे लंगड़े सारे थारे सर में खा रहे।
गूंगे बहरे लंगड़े सारे थारे सर ने खा रहे। वो गुंगा तुम्हारा यार है, बेचारा गलत पिट गया। बाबा का धागा भी कमाल है, आखिर तुम मुझे मिली गई। चल तुझे घुमा के लाता हूँ। जा रहे हैं कहीं भाई, रास्ता छोड़ दो। तू इस तितली को छोड़ दे, हम तेरा रास्ता छोड़ देंगे। जाओ भाई जाओ। साले हमें जाने को कह रहा है, चल भी नीचे उतर उतर। रुखसाना देख लग भी रहे हैं असली से हम। हाँ सेठ जी बिल्कुल लग रहे हैं। देखना सेठ जी मैं कैसे लग रही हूँ। चिमनी चिमनी कुछ गड़बड़ होने वाली दिख है साली। रुखसाना धमकाओ धमकाओ। ए क्या देख रहा भाई साहब, आप पुलिस में हो? पुलिस में शक करता है? किसी नौटंकी में काम करते हो? पुलिस में शक करता है, बंद कर दूंगा, चल अपना काम कर। जय हिंद रोगो जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। निकल जा निकल जा निकल जा। रुखसाना साला जय हिंद कर रहा। रुखसाना तो असली से लग रहे हैं। बिल्कुल असली लग रहे हैं ना। ओबे हैं
मैं रुखसाना। हाँ। मुझे दिख रहा है झगड़ा कर रहे लोग। हाँ सखी चलो चलते हैं छुड़वा देते हैं। कई साल ही उल्टा रहना पड़ा पर जान पाई। शेख जी हिम्मत से काम लो चलो चलते हैं। पीछे करे हिम्मत से काम ले। हाँ। यानी के झगड़ा। हाँ। शेख चिल्ली के इलाके में झगड़ा चलो। कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। कोई अपनी जगह से हिला मार दूंगा गोली। लफड़ा यानी के लड़ाई। सारे लफड़े की जड़ ये लड़की है। दरोगा जी हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोग तो जा रहे थे। जा रहे थे तो जाओ खड़े क्यों हो। निकल लो निकल लो। हाँ तो लफड़ा करते हो दीवानगी से जलते हो साले आशिकों को छेड़ते हो। इधर आओ मैं बनाऊंगा तुम्हारी मुर्गी। यानी कि मेरे इलाके में लफड़ा करते हो मेरे इलाके में। दरोगा जी हमें माफ कर दो दरोगा जी। अच्छा तो तुम्हें अंदर करना ही पड़ेगा। अंदर करना पड़ेगा। सीधे खड़े हो। इधर आओ चलो बैठो। मुर्गा बन बैठो। बन मुर्गा बनो मुर्गा बनो। लफड़ा करते हैं। दीवान जी गलती हो गई। इंसल्ट करते हो इंस्पेक्टर को दीवान जी कहते हो। गलती हो गई तो उसे भरो। रिस्पत यानी के गधे वाला बाबा नाथ को शेख सिल संकर नाथ यानी के इंस्पेक्टर को रिस्पत देते हो। सर कोई बात नहीं ये भी अपने ही भाई हैं जाने दो। ठीक है जाओ। और सुनो आज के बाद नजर मत आ जाना। अगर आए तो हम नजर नहीं आएंगे। निकल लो और दिखाई मत दे जाना। निकल लो। सेठ जी ना तो नूरजा मिली और ना मिला गूंगा। बाहर बजा ना नूरजा मिली ना मिला गूंगा। बजाने ये अच्छे फंस गए तारे 500 रुपए आ गए। ठीक है सेठ जी वर्दी का किराया तो चला ही जाएगा। ये भी देना ही था। मैं देना तो था चलिए तो ठीक है मगर नूरजा को गूंगा को देखो कभी सारी ज्यादा लफड़ा हो जा। हाँ शेख जी चलो देखते हैं। तुम भी ना हटो। धोखा यानी क्या गद्दारी। डरो मत ये अपनी ही आदमी है। धोखा पुलिस जी मेरी कोई गलती नहीं है ये तो अपने आप आई है। गधे वाले बाबा आदि शंकर नाथ शेख चिल्ली दरोगा को धोखा। खड़े हो जाओ हाथ ऊपर। ए तू कैसा खड़ी है हाथ ऊपर कर वरना गोली चल जाएगी। गोली तो चल गई बाजी। क्या मतलब मेरा मतलब पुलिस वाली बाजी। ए यहाँ रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये अभी सारू नहीं बना है। रिश्वत नहीं देगा क्या शेख चिल्ली का देवाले बाबा यानी दरोगा को। क्या मान रहा है तू। इनसे पैसे मत लो। चुप करो और निकालो। और ना कल दे दूंगा। ठीक है कल दे दियो। क्या बात है आप तो शेख चिल्ली है पहचानने में नहीं आ रहे हैं। जल्दी निकलो निकलो मैं निकल लो। आए मैं घूंगा घूंगा साला बेकार ये साला। मैं साले ने मैं शेडिंग करनी नहीं आती रस्ते में पड़े अंदर एक में पड़ रही जाके। अच्छा कोई बात नहीं किराए के पैसे तो मिल ही गए अब वर्दी के पैसे चले जाएंगे। ठीक है चलो हम भी जल्दी मोज लेते।
रहा मैं तेरी पुलिस में से अब नूर जाऊँ लेगा वहाँ बैठा दगड़े में रस्ते में ओट में बैठ आस की कर रहा था ना वो रुक जाना। हाँ सेठ जी भाई एक बकरा हो रहा ना इसे भी हलाल कर लेते हैं तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा साले मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। ठीक है सेठ जी वर्दी का किराया पूरे दिन का तो देना ही है जो भी आए उसे लपेट दो। ठीक है ये आइडिया फिट है आ जाओ। आए लंगड़े इधर आओ। दीवान जी मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं जल्दी आता है लेट करा दूँ। सुनी नहीं बिगर पिटे आवे ना आवे या एक दो लगा दूँ। ठीक है जी आ रहा हूँ। अरे बेटा आ जा आ जा। हाँ जी दीवान जी इंस्पेक्टर का दीवान जी कहता है वैल्यू घटाता आराम जाते है। दरोगा जी गलती हो गई। फिर गलती गलती में गलती इंग्लिश में बोल इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दो। डबल गलती यानी के दो गलतियाँ तुझे जेल के अंदर जरूर धकेलूंगा। साहब जेल के अंदर मत धकेलो कुछ ले दे के ही काम चला लो। हाँ जी काम चला लो। आहा तो निकाल। और सुन तुम तीनों ने यानी के टोपी बाज और गूंगा और तूने तुमने शेख चिल्ली को पिटवाया था ना आजपल गड़ी में बदला लूंगा। आहा है इंस्पेक्टर साहब तुम्हें कैसे पता चला। आहा हम सब जानते हैं उसने तुम्हारे नाम की रिपोर्ट लिखाई है 10 साल की सजा जरूरी है तुम लोगों को। और सुन तू बच सकता है अगर उन दोनों को शेख चिल्ली के घर माफी मांगने के लिए लिया है तो। ले दरोगा जी। फिर दरोगा इंग्लिश में बोल इंस्पेक्टर मैंने तुझे हल्का सा इसलिए मारा है कि तू अपना आदमी है। जी हाँ। और सुन मैं तुझे बचा सकता हूँ मगर उन दोनों को जरूर सजा होगी क्योंकि उनके पीछे 2 पुलिस वाले पड़ चुके हैं। अब तू जा जो जल्दी में था हमें अपना किराया भी देना है। क्या क्या वो तू जा। ठीक है साहब मैं उन दोनों को लेके जरूर जाऊंगा शेख चिल्ली के घर माफी मांगने। ठीक है रुसाला। ठीक है जी। ये सही मुर्गा कट रहा और साला डर गया। हाँ। साले ने गैली निकाल के दे दी तो बाप का मान लो। हाँ। ठीक है घर चलते। टोपी बाज भाई गूंगे भाई तुम तो यहाँ मौज ले रहे हो मुझे तो 10 साल की सजा होने वाली है। क्यों भाई हैं? ए जी इसका तो पजामा भी गीला हुआ पड़ा है। हैं? बोलो क्या बात है अजी तुम पूछो तुम्हारा यार है। अबे कौन देगा तुझे सजा और किस बात की सजा देगा। वो हमने शेख जी पिटवाए थे ना आज 2 पुलिस वाले मिले वो बता रहे थे। पुलिस वाले एक आदमी और एक औरत। हाँ क्या तुम्हें भी मिले। क्या कह रहे थे वो दोनों। वो कह रहे थे शेख जी के घर जाकर माफी मांग लो वरना 10 साल की सजा पक्की है। हम तो उनके शुक्रगुजार हैं चलेंगे भाई उन्होंने हमारी जिंदगी दिला दी। ठीक है चलो जाना बाद में बेटे पहले पिछला हिसाब तो देके जा। अरे रे छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे अभी बताती हूँ। ये ले और ले। सालो लंगड़े से पंगा एक टांग से मारूंगा। ए दंगा करते हो लफड़ा करते हो कौन थे ये लोग। अजी हमें क्या पता। तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है सर। कोई बात हो तो थाने में आके रिपोर्ट लिखा देना।
शेख जी, शेख जी। अरे तुम लोग सब यहाँ? सब खैरियत तो है? शेख जी इन्हें माफ कर दो, ये सुधरने वाले नहीं थे अगर आप ना होते तो। क्यों, क्या बात हो गई? बाजी तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुन्ना जैसा हम सफर दिलाया। क्यों? हाँ शेख जी आप तो बहुत अच्छे हो, हम तो आपको इडियट समझते थे। हमें पता था शेख जी पुलिस वाले आप ही थे, हम कुछ नहीं बोले। ए, ये थे शेख जी, हमारे 500 रुपए तो दे दो। लंगड़े तो तुम लोगों की सजाती ठीक करने की। देख लो शेख जी हमने तुम्हें पहचान लिया था वर्दी में भी। अबे टोपीबाज, बात तुमसे पिछला ही कहा था मैं। तुम्हें तो पूरा का पूरा इडियट बना दिया था शेख जी ने। वो कैसे भाभी जी? वो ऐसे तुम बाबा के पास गए थे, बताओ कौन था वो बाबा? हाँ बोलो बोलो, कौन था वो गधे वाला बाबा? शेखनाथ बनाना है बेटा तुम्हारा इडियट। मगर शेख जी हमें तो पता था, पहले हमने बनाया तुम्हारा इडियट, क्यों घूमे? हाँ शेख जी क्योंकि मुझे तो पता था, किसी बाबा ने बताया था कि शादी के बाद तुम्हारा गूंगापन हट जाएगा, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे। ओ बेटे इसका मतलब तू ठीक हो जाएगा। अच्छा सब एक बात सुनो, रोजाना अगर तू मेरी बात मानो ना तो इनकी सजा माफ कर दे। तो समझ लो मैंने इसकी सजा माफ करा दी। सजा माफ करा दी? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे, मेरी एक और नूर जहाँ से छोटी बहन है। हाँ। मैं इसकी शादी उससे करा दूंगी। बेटे उसके बाद तुम चारों हो जाओगे बराबर बराबर। अब हम समझ गए। क्या समझ, क्या गए? समझ गए? मैं बतलाता हूँ, हम हैं और ये।